लो ये पैसेंजर भी बोल रहे हैं कोई नहीं आया है। अब ट्वीट कर देते हैं, इनका ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल सतर्क हो गए हैं अब, ठीक है? क्या हाथ में दे रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? आता है गाना, आता वाला नहीं आता? हर जर्नी में वही चीज, हर ट्रेन में वही चीज। क्या बीट्स निकाल रहा है लोग। ट्रेन नंबर 15960 कामरूप एक्सप्रेस, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन लॉन्च की गई थी इन ईयर 1972। और जब ये ट्रेन लॉन्च की गई थी तब ये हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलती थी, लेकिन फिर गुवाहाटी लमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन के मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने के बाद इस ट्रेन को गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया गया। और ये ट्रेन 1534 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे 45 मिनट के समय में, और आज इस ट्रेन में हम लोग डिब्रूगढ़ से हावड़ा तक जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज मांशु, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। आज इस कामरूप एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं स्लीपर क्लास में, और अपना कोच है S8, और आज अपनी सीट है सीट नंबर 80 साइड अपर। तो अपने निर्धारित समय से अपनी कामरूप एक्सप्रेस निकल चुकी है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। अपनी कामरूप एक्सप्रेस निकल चुकी है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस कामरूप एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें। तो वैसे ये जो कामरूप एक्सप्रेस है ना, डिब्रूगढ़ से हावड़ा के बीच दो रूट से चलती है, एक वाया बोगीबील जाता है और एक चलती है वाया गुवाहाटी, जिसमें आज हम लोग जर्नी कर रहे हैं। तो ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलती है, संडे एंड थर्सडे को छोड़कर। शाम को 6:35 पर निकलती है डिब्रूगढ़ से, और तीसरे दिन सुबह 5:10 पहुँचा देती है हावड़ा। और अभी न्यू तिनसुकिया जंक्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं, और पैरेलल अराइवल हो रहा है हम लोगों का। पता नहीं कौन सी ट्रेन है, एल्को लोकोमोटिव। क्या बीट्स निकाल रहा है लोगों, वाह। तो 42 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग कामरूप एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे न्यू तिनसुकिया जंक्शन, जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1883। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है बाकी। इस रेलवे स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, AC रिटायरिंग रूम, नॉन AC रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री जैसी सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और वैसे कुछ खाने पीने के यहाँ पर काउंटर्स हैं, रेस्टोरेंट है, जैसे IRCTC का रिफ्रेशमेंट रूम वगैरह, तो आप यहाँ पर खाना पीना भी खा सकते हो, यहाँ पर मतलब ईजिली आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आपको ये 2-3 ऐसी स्टॉल्स मिल जाएंगे, ये मल्टीपर्पज़ वाले, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब बैग्स वगैरह भी हो गया, पिलो हो गया, और भी खाने पीने की कुछ चीज़ हो गई, सोप वगैरह हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें, टॉर्च वगैरह, ये सब मिल जाएगा। और वो जो हमने रिफ्रेशमेंट रूम बताया था वो है आगे की साइड वहाँ पर। तो करीब 11 मिनट ज़्यादा रुकने के बाद 11 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हुआ है न्यू तिनसुकिया जंक्शन से। बिरयानी, खाना क्या दादा? बिरयानी कौन सी है? चिकन है, अंडा है। कितने का अंडा? अंडा 100 रुपया है। दादा दादा आइए, लगे हाँ तब बिरयानी भी हो गई है। एक वो जिंजर टी पिलवाइए।
जिंजर टी, जिंजर अदरक वाला वो। बिरयानी ले ली है, बाकी बिरयानी का रेट तो अभी देखा ना, क्या बोल रहे थे, 100 रुपए एक बिरयानी। भाई हम तो मतलब हर जर्नी में ये कर करके अब हमको हंसी आती है यार, मतलब हर जर्नी में वही चीज़, हर ट्रेन में वही चीज़ कि बिरयानी इतने की है, खाना इतने का है, 100 रुपए की बोल रहे हैं, 90 रुपए की आती है एक बिरयानी। चलो कोई बात नहीं, इकट्ठा जब बिल पेमेंट होगा तब की तब देखेंगे, बच गई, गिरने वाली थी चाय। और ये अपनी जिंजर टी मिल गई। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास चाय अच्छी नहीं मिलती, ये चीज़ हमने नोटिस करी, तो इसलिए एक चाय ले ली हमने। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग नहरकटिया, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो जगह है ना, ये जानी जाती है पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व के लिए। और यहाँ पर ना आसाम का फेमस बिहू डांस कंपटीशन भी होता है। और यहाँ का जो लोकल बाज़ार है ना, उसका नाम है मंगल बढ़िया, मतलब ट्यूजडे समथिंग ऐसे करके है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। तो चलो अब टाइम हो गया है डिनर का, बिरयानी ली थी डिनर में, खाते हैं, टेस्ट करते हैं एग बिरयानी कैसी है। अपर और किनारे वाली सीट हो, एकदम सीट है हमारी 80 नंबर, सीट नंबर 80 जो कि बिल्कुल गेट के पास में है। तो उसका सबसे बड़ा भाई डिसएडवांटेज ये है, एक तो शोर बहुत आता है यहाँ से, और दूसरा ये लाइट्स बंद नहीं हो सकती। ये लाइट तो बंद कर ली अपने सोते टाइम, लेकिन ये लाइट्स बंद नहीं हो सकती, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रोशनी यहाँ पर आती है। चलो फिलहाल रात का बज रहा है करीब 10:30, सोते हैं, मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और अपने कोच में पानी हो गया है खत्म। साथ ही लोकल वेंडर्स इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अभी सुबह जब से हम उठे हैं ना, लोकल वेंडर्स इधर से उधर हर चीज़, ये देखो चाय हो गया, पानी हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, लोकल वेंडर ही लोकल वेंडर आपको मिलेगा सुबह सुबह यहाँ पर। यहाँ दादा बैठे हुए हैं, इनसे हमने पूछा है कच्चा बादाम है पक्का बादाम है, क्या दादा पक्का बादाम है? ओके, गाना आता है आपको वाला? है? आता है गाना, आता है वाला? नहीं आता? कच्चा बादाम पक्का बादाम नहीं आता गाना? सुना तो है गाना, सुना है कि नहीं? सुना है।
नहीं समझा? समझा नहीं समझा। देखो हमारा सीट है, माय सीट इज अपर बर्थ, ओके। इन डे टाइम आई विल सिट ऑन लोअर बर्थ, ओके। या कौन सब? हाँ हम भी बैठेगा, आप भी बैठेगा, सब बैठेगा यहाँ। मिल बाट के बैठेगा, मिल बाट की जर्नी करेगा, मिल बाट के खाएगा, ठीक है, ओके डन। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग इंडिया के फर्स्ट फुल्ली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन गुवाहाटी। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी कामरूप एक्सप्रेस का 15 मिनट का स्टॉप है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा लोको चेंज। अभी डीजल लोकोमोटिव के साथ चल रही थी अपनी ट्रेन, अब यहाँ से लगेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और बाकी इस रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको मिल जाएगा जो आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस टर्मिनल है, वो भी रेलवे स्टेशन के पास में ही है। चलो अभी फिलहाल आगे की साइड चलते हैं और बाकी अपनी फैमिली मेंबर आ जाएं यहाँ पर मिलने। और ब्लॉगिंग आप भी करते हैं? हाँ, ब्लॉगिंग। चैनल का नाम अपना? भैया द उदेश व्लॉग्स है। ऐसे ट्रेन ब्लॉगिंग्स भी करता हूँ। हाँ? लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल की वजह से दिक्कत हो रहा है इसमें। अच्छा, मतलब अच्छा। जो मन में है वो डाल देता हूँ। कोई नहीं, भाई के चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लेना। और देखो ये अपना कहाँ, गुवाहाटी का है? भाई लड्डू लेके आए सुबह सुबह, मतलब अभी 8 बज रहा है, वैसे 7:20 पे आनी थी ट्रेन, लेकिन 8 बजे इतनी सुबह सुबह लड्डू लाए, तो इसके लिए भाई को थैंक यू। चलो अब साथ में चल रहे हैं, चलो चलते हैं यार लोको, हाँ लोकोमोटिव दिखाते हैं। वैसे क्या लगता है, वेब 7 लगना चाहिए? वेब 4 लगाएंगे इसमें। चलो देखते हैं भाई कौन सा लोकोमोटिव लगता है। तो ये अभी हम लोग आ गए आगे की साइड, और अभी अपनी ट्रेन में लगा हुआ था WDP4 सिलीगुड़ी का, और अभी इसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आएगा अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, मतलब अब डिल्लू भाई जाएगा और इल्लू भाई आएगा अपना। तो अभी बगल वाले प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी अगरतला तेजस राजधानी, तो पहले उसको निकाला गया है। जब ये निकल जाएगी उसके बाद अपना लोकोमोटिव का जो है चेंज वाला काम होगा, क्योंकि फिर लोकोमोटिव आगे जाएगा इसी ट्रैक पे, तो ट्रैक ऑक्यूपाई हो जाएगा ना, इसलिए ये जा रही है अपनी अगरतला तेजस। डिल्लू भाई जा रहा है सिलीगुड़ी का, अब आएगा अपना इल्लू भाई। ये आ गया अपना इल्लू भाई आगे से घूम के, अब होगी कपलिंग इसकी। ये लो भाई अपनी कपलिंग हो चुकी है ट्रेन की। चलो भाई को बाय करते हुए, ही देर बाद अपना डिपार्चर हुआ है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, और अभी अपनी ट्रेन पता है कितना लेट हो गई है, करीब 1 घंटे 10 मिनट की देरी से हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी से। भाई अभी अपनी वही ले लिए जिंजर टी, काफ़ी देर बाद मिली, वैसे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, और चलो पीते हैं। आलू चाप खत्म हो गया क्या? लाओ फिर एक ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट है। अच्छा ठंडा हो गया एकदम? अच्छा ठंडा है एकदम। ऑमलेट गर्म होगा क्या? ऑमलेट गरम होगा क्या? क्या बिल है इसका? साथ में दे रहे हैं क्यों, क्या हो गया?
बिल साथ में बांट रहे हैं। चलिए सही है ये भी, जो चाहता है देता है। चलिए बढ़िया है। लोग आ चुके हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन और भीड़ यहाँ पर इतनी थी ना कि अराइवल तो हम ले ही नहीं पाए। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर वैसे 5 मिनट का स्टॉप है। और अभी क्या हुआ ना, जब गुवाहाटी पर ट्रेन खड़ी थी, लोकोमोटिव की कपलिंग के लिए मांगी साइड गए, तो पेंट्री का जो स्टाफ है ना, उनने हमको देख लिया था। जो मैनेजर वगैरह होंगे तो पहचान लिया गया। तो भाई कल रात में तो क्या किया इनने कि हमको बिरयानी दे रहे थे ये 90 वाली 100 में। अभी क्या हुआ, नाश्ता लिया तो भाई बिल साथ में। ये देखो भाई असर और फ़र्क कि मतलब अब जब कुछ भी ले रहे हैं तो अब जो है साथ में बिल दिया जा रहा है। तो बोल रहे हैं बिरयानी का भी हम आपको बिल दे देंगे, तब पेमेंट कर देना। खुद बोल रहे हैं भाई, खुद ये सीन है। कामाख्या जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और कामाख्या जंक्शन से निकलने के बाद जस्ट आता एक बढ़िया सा कर्व और कर्व के बाद हम लोग पार करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि सरायघाट से हम लोग पार करेंगे, सरायघाट रेलवे ब्रिज से। और ज़्यादातर हम इस रूट से निकलते हैं ना, तो ये ब्रिज हम भाई मिस नहीं करते और आज भी मिस नहीं करेंगे। चलो बस अभी देखो कर्व आएगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। डेली नहीं बोलते हैं इनको पकड़ने के लिए, यही होता है सबको अच्छा ये लोग उतना ही नहीं। वही तो बात है, मान लीजिए किसी का कुछ चला जाए, इतना लोकल वेंडर है इस ट्रेन में कि पता ही नहीं लगेगा कौन क्या लेके गया। ये स्टेशन में उसको स्टेशन का अंदर आना ही नहीं देते। हाँ तो ये तो आउटर से चढ़ जाते हैं ना, स्टेशन में उठता है लोग चुपचाप। अच्छा स्टेशन खड़े होगा ना, ये लोग उठेगा ही नहीं, आदमी अभी कहाँ धक्का मारेगा। थोड़ा अगर सख्ती की जाए तो ये कंट्रोल हो सकता है वैसे। पक्का लिख लो, एक खाली लिख लो भाई। 80 80 ना भाई, पानी नहीं, चाय कॉफी। कौन सा 90 का 120 का? 90 120 क्या होता है भाई? 90 का आपका सब्जी, मतलब सब्जी नहीं मिलेगा, अंडा कड़ी, हाँ दाल, चावल रोटी। अच्छा हाँ हाँ, तो 90 वाला ही लिखो, 90 ही वाला जो आता है अपना रेलवे का जो रेट है वही लिखो। हमारे समय से 1 घंटा 9 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग न्यू बोगईगांव जंक्शन। और ये जो टाउन है ना बोगईगांव, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड बोगईगांव एंड न्यू बोगईगांव। और यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्री है वो है पेट्रोकेमिकल की, और अपनी कामरूप एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है।
और वैसे तो काफ़ी ट्रेन लेट चल रही थी, अभी करीब थी 1.5 घंटे लेट, लेकिन थोड़ा सा कवर कर लिया है। और खाना लंच जो है ना हमने ऑर्डर किया था इसी ट्रेन की पेंट्री से, तो अपना लंच भी आ गया। अभी जब ट्रेन अराइव हो रही थी ना यहाँ पर, तब खाना आ गया है अपना, सीट पर रखा हुआ है। ट्रेन यहाँ से निकलेगी उसके बाद दिखाते हैं भाई क्या ऑर्डर किया था खाने में और कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें दिखाएँ। थाली और एक थाली में 2 एग की, एग करी, दाल, अचार, चावल, 2 रोटी है। और हमने जैसे कि बताया था भाई, ये हमको पहचान गए पेंट्री वाले, तो दही ऑटोमेटिक भेज दिया है, तो ये दही भी दिया है साथ में, जो कि एक थाली में रहता है अपना, चाहे वेज हो चाहे एग हो चाहे चिकन थाली हो, एक दही रहता है, तो दही भी है साथ में। तो ये है अपनी एग थाली। में से 1 घंटे 20 मिनट ही देरी से ही आ चुके हैं हम लोग न्यू अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वैसे यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन और हैं, बट दिस इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन अलीपुर द्वार। और यहाँ पर डेली करीब 90 ट्रेन स्टॉप होती हैं, 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और अभी जो खाना था जो हम लोगों को सर्व किया गया था, टेस्ट काफ़ी सही था खाने का। और एक और चीज़ क्या उन लोगों को भाई हमने बताया ना, पेंट्री वालों को पता चल गई, हमको पहचान गए ना, तो एकदम बिल्कुल सतर्क हो गए अब, ठीक है। क्या है कि बिल्कुल सही तरीके से जो प्राइस है उस पर चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और खाने में बिना बोले दही भी भेजा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि वेज थाली हो या एग थाली हो या चिकन थाली हो, दही सबके साथ रहता है, और उन्हें पता है कि हम टोक सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही दही भेज दिया। और रेट टू रेट चीज़ें चल रही है, तो वही बात है ना भाई कि अब हमें पहचान लिया, तो एकदम सतर्क होकर चल रहे हैं। पूरा पेंट्री का स्टाफ जो भी जा रहा है देखता हुआ जा रहा है हमको कि हाँ भाई ये बैठा हुआ है यहाँ पर सही चीज़ देना है, ये सीन चल रहा है अभी फ़िलहाल ट्रेन में अपनी। और एक और जो सीन चल रहा है वो तो भाई ऐसा सीन है कि आपको पूरा फीलिंग आ जाएगी कि आप ट्रेन में बैठे हो। अभी क्या है ना, लोकल वेंडर्स भाई जो चीज़ चाहिए आपको हर चीज़ ट्रेन में मिलेगी, जो भी चीज़ चाहिए लोकल वेंडर्स का इस हिसाब से दबदबा है भाई ट्रेन में। अभी हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे जो लोकल वेंडर्स हैं इस ट्रेन में, जो जो सेलिंग हो रही है देखो आप डिपार्चर के बाद, उसके बाद आप बिल्कुल ऐसी फील होगा आपको कि हाँ साथ जर्नी कर रहे हो, चल गई ट्रेन। आइसक्रीम
स्पीकर मोबाइल चार मुड़ी घर मुड़ी मुड़ी घर तो अभी कल डिब्रूगढ़ से जब से अपनी ट्रेन चली हुई है एक भी बार OBHS स्टाफ नहीं आया, ना सुबह ना शाम को, कि एक भी बार आया हो साफ सफाई देखने, साफ सफाई करने, कोई भी नहीं आया। और अभी ये जो नंबर लगाया है इस पे कॉल लगाया, एक दो बार कॉल उठाया, हेलो हेलो कर रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे, ठीक है, उसके बाद फ़ोन काट दिया और आप फ़ोन काट रहे हैं उठा भी नहीं रहे, ये सीन है। तो भाई कोई बात नहीं, अब ट्वीट कर देते हैं इनका, ऑनलाइन कंप्लेंट कर देते हैं, ऐसे तो ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है आधी स्लिप्स फाड़ दिए जहाँ पे नंबर लिखा रहता है ताकि कोई कॉल ना कर सके, ये सीन है इस ट्रेन का, अपने आप भी चक्कर नहीं लगा रहे हैं। अब एक बार ऑनलाइन कंप्लेन कर देते हैं उसके बाद आके ही तभी कर पाएंगे ये सफाई, ऐसे इनका जो इन लोगों की इच्छा नहीं होती, ये लोग ऐसे इसी कोचेज में जाके बैठ जाते हैं, इधर तो ध्यान रहता ही नहीं है इन लोगों का, यहाँ भी इन लोगों को काम करना है। आप हैं OBHS में ना, ये बताइए नंबर किसका लगा है गेट पे? ये मालूम नहीं किसका नंबर है, ये नहीं, ये लगा हुआ है, ये जो ये लगा, ये वाला 78 वाला, ये ऊपर, ये 78 वाला, ये राहुल सुवर्णदा नहीं, दूसरा सुवर्णदा का होगा। किसका है? दूसरा सुवर्णदा का होगा, हमें अभी जो आया इसका नंबर नहीं है, उसका नहीं है। हाँ। कोई नहीं आया है सुबह से एक भी बार सफाई करने, हम क्या देख नहीं रहे दिन भर से? लो ये पैसेंजर भी बोल रहे हैं कोई नहीं आया है, हम लोग पागल हैं, ये कोने वाला सीट है हमारा, यहाँ यहीं बैठे हुए हैं हम दिन भर से, कल से रात से। कम से कम चक्कर तो लगाना चाहिए यार। कभी कंप्लेन करी है तब जाके साफ सफाई की जा रही है। निर्धारित समय से 1 घंटा 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1860। और इस रेलवे स्टेशन पे डेली करीब 60,000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं, और यहाँ पर आपको एसी, नॉन एसी, रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री, फ्री वाईफाई जैसी सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और अपनी कामरूप एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है।
और अभी क्या हुआ, शाम से चाय तो आई नहीं थी, तो हमने पेंट्री का भी स्टाफ आए खाने का ऑर्डर लेने के लिए, उनसे पूछा हमने भाई क्या चक्कर है चाय क्यों नहीं आ रही है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल वेंडर्स हैं ना उनके चक्कर में हम लोग चाय वगैरह पानी वगैरह कुछ भी सेल नहीं कर सकते ट्रेन के अंदर, अभी ये सिस्टम है। मतलब जलपाईगुड़ी तक कह रहे हैं कि पानी वगैरह भी हम लोग सेल नहीं कर सकते, जलपाईगुड़ी के बाद ही पानी खाना ये सब हम लोग सर्व करेंगे, और चाय तो हावड़ा तक ही नहीं कर सकते क्योंकि जो लोकल वेंडर्स हैं ना फिर उनके संग लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये सीन है भाई, इन लोगों की मतलब कम्युनिटी बनी हुई है तगड़ी वाली लोकल वेंडर्स की, ये लोग पेंट्री वाले को मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करते। ये कह रहा है कि आप एक काम करो, आप पेंट्री में ही आ जाना, एसी कोच में भी जो लोग कह रहे हैं ना चाय वगैरह की, तो हम उनको बोल रहे हैं कि आ जाओ आप पेंट्री में ही आके पी लो, वहीं पिलवा देते हैं आपको। तो ये सीन है, तो चलो अभी चलते हैं आगे की साइड पेंट्री भाई चाय पीने, बाकी लोकल वेंडर से तो हम लेते नहीं है चाय वाय, वो सही भी नहीं है क्योंकि, इसलिए चलो आगे की साइड चलते हैं। आपका हॉल्ट है ना 10 मिनट का, वैसे करीब 8-9 कोचेज आगे है पेंट्री, ठीक है चलते हैं, अब तक 10 मिनट का तो हॉल्ट है ही यहाँ पर। निर्धारित समय से 1 घंटा 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग किशनगंज, जो कि बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये रेलवे स्टेशन जलपाईगुड़ी हावड़ा सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर कटिहार रेलवे डिवीजन के अंडर में, और अपनी कामरूप एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, और बाकी यहाँ पर किशनगंज रेलवे स्टेशन पर अपने ही HY फैमिली के कुछ मेम्बर्स आए हैं, तो भाई अपना अपना नाम बता दो। नीलेश भाई क्रिश, तो ये दोनों आए हैं मिलने, वैसे थोड़ी बातचीत हुई इंस्टाग्राम पे तो मुलाकात हो गई फाइनली, तो भाई वीडियो से मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताओ, जो सीरियस जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग कंटेंट बनाते हैं, हाँ। तो वो चीज़ आप लोगों को कैसी लगती है? अच्छी लगती है, सही लगता है कि नहीं? भाई अब देखो इस ट्रेन का पेंट्री कार वाला बिल्कुल सही है, अब वो क्या है कि करने की वजह से है ना बिल्कुल सही प्राइस दे रहा है, अब नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ट्रेन की पेंट्री में ही ऑर्डर किया था डिनर भी, तो डिनर अपना आ गया, वेज थाली ऑर्डर की थी, 2 पराठा, अचार, चावल, दाल और सोयाबीन आलू की सब्जी, और साथ में अपना दही। ये टेस्ट, अब देखते हैं सोयाबीन आलू, इसका भी टेस्ट सही है। वैसे पेंट्री में बहुत कम देखते हैं कि सोयाबीन की सब्जी बन रही है, और इसमें मिली हुई है सही है। बाकी 2 पराठे हैं, सब गर्मा गर्म पराठे भी गर्म है, और दाल सब्जी सब। कंप्लेन करने का सर देखो भाई, रात के 9 बजे भी सफाई चल रही है, ये है सर, कंप्लेन नहीं करो तो ये लोग आते भी नहीं है, और कंप्लेन करने के बाद का आपके सामने ही है।
निर्धारित समय से 4 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग मालदा टाउन, जो कि ईस्टर्न इंडिया और मालदा डिवीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन से जो भी ट्रेन पास होती है ना, उसका यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। और अपनी कामरूप एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और वैसे अभी हम लोग करीब 1.25 घंटा लेट चल रहे थे, लेकिन टाइमिंग इतनी ज़्यादा दिया हुआ है ना बीच बीच में इस ट्रेन को कि भाई ट्रेन ने पूरा कवर कर लिया, और यहाँ तक कि हम लोग 4 मिनट बिफोर भी आ गए यहाँ पर। और वैसे खाने पीने का भाई टेस्ट सही था, मतलब दिन का जो खाना था उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया था, शाम का भी मतलब ठीक था, एवरेज था। और जो पेंट्री का स्टाफ है, बिल वगैरह हमारे पास आ गया भाई, 80 रुपये का अभी वेज का आया, और 90 रुपये का एग थाली का, और 90 रुपये का एग बिरयानी का। ठीक है, तो बिल वगैरह हमारे पास आ गया अभी खाने के साथ ही, ठीक है सही है। और बाकी इस ट्रेन का पेंट्री स्टाफ भाई ठीक ठाक लगा हमको, बिल्कुल कुछ भी कहने नहीं पड़ा, एक बार देख लिया, पहचान गया, तो अपने आप ही से सही चीज़ें दी। अब पता नहीं और पैसेंजर्स को दी या नहीं दी पता नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसेंजर्स इस ट्रेन में ऐसे थे ना जो लोकल वेंडर से चीज़ें ले रहे थे, और जो नहीं ले रहे थे वो घर से खाना लेके चले थे। मतलब हमारे अगल बगल किसी ने भी खाना पीना नहीं लिया था, तो हमें फिर पूछा भी नहीं। अब थोड़ा ना हम दूसरे कोच में जाके पूछेंगे किसी से, है ना, कैसा दिया कैसा नहीं दिया। बाकी आप लोग भी बिल मांगोगे तो भाई बिल्कुल सही प्राइस आपको भी मिलेगा। और बाकी एक चीज़ है कि पहली बार हमको किसी ट्रेन में पेंट्री स्टाफ पर भाई लगाओ के थोड़ा बुरा लगा हम इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों की जो हालत है ना बेचारे काफ़ी परेशान है कि ये लोकल वेंडर्स वगैरह के चक्कर में, और कोई कुछ कहता भी नहीं है इन लोगों का भाई, काम वाम भी नहीं होता सही से, तो ये हमको थोड़ा सा बेकार लगा। होना चाहिए यार लोकल वेंडर्स पे थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए रेलवे को, क्योंकि अब सोचो ना ये लोग भी भाई पूरे दिन चल रहे हैं ट्रेन में, दिन रात चल रहे हैं, उसके बाद लोकल वेंडर्स इस तरीके से कर रहे हैं, ये लोग कुछ कमा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो चीज़ तो फिर बेकार लगती है ना। चलो बाकी काफ़ी सर्दी हो रही है, निकलती है ट्रेन, फिर सोते हैं, और फिर सुबह देखते हैं भाई किस हिसाब से कैसा क्या ट्रेन हम लोगों को किस टाइम पे पहुंचाती है अपनी डेस्टिनेशन। और सुबह उठ के फिर कंटिन्यू करेंगे वीडियो जहां भी नींद खुले। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, कामरूप एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बाकी वॉशरूम वगैरह की कंडीशन हम आपको दिखा ही नहीं पाए, क्योंकि भाई साहब वॉशरूम वगैरह इतना गंदा था ना कि दिखाने लायक भी बिल्कुल नहीं था, अंदर जाने लायक भी बिल्कुल नहीं था, और यूज़ करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। कल थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हुई, लेकिन अभी फिर सुबह वैसे ही गंदगी हो गई। लोगों ने यूज़ किया और लोग बाग फ्लश भी नहीं करते हैं, उसका बेसिन वगैरह भी गंदा था, और जो हम लोगों का कोच था उसमें जो बेसिन लगी रहती है ना गेट के पास वाली, उसमें मिरर भी नहीं था, मिरर भी टूटा हुआ था, जब से ट्रेन थी चली थी ना तब से ही मिरर नहीं लगा हुआ था। बाकी आपको जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी है अब से मिस नहीं हो। ट्रेन लवर्स एच पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है, यहीं फॉलो कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।